तो स्लो स्टार्ट था मेरा, बहुत ज़्यादा स्लो भागता था स्टार्ट में। स्टार्टिंग में मेरा स्लो इतना था कि जो बंदे मेरे से पीछे लाइन में होते थे वही मुझे पकड़ लेते थे। अच्छा। हाँ इतना बिल्कुल, क्योंकि एक कमरे में मैं ही रहता था बस, उस रूम में अकेला मैं ही था और कोई नहीं था रूम में, अकेले रूम में। यार मैं मतलब फर्स्ट टाइम मुझे अजीब सा लग रहा, डर लग रहा उस कमरे में रहते हुए, तो मुझे लग रहा पता नहीं कौन है कमरे में, कोई आ रहा जा रहा, ऐसा लग रहा फील हो रहा कि जैसे कोई कुछ हो यहाँ पर। अच्छा। तो क्योंकि वो इसलिए लग रहा था क्योंकि वो एक पुराना महल है वहाँ पर। अच्छा। NIC के अंदर। हाँ। काफ़ी बंदर भी है वहाँ पर। तो रात को मुझे डर लगता है कि बंदर इधर आ जाए उधर, काफ़ी डर लगता है। स्पीड कंट्रोल तो आगे चला गया, मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल घूम गई बॉडी। अच्छा। हाँ। और जो मुझसे जो फर्स्ट आया था वो बिल्कुल मुझसे एक माइक्रो सेकेंड आगे था, उसकी 53.2 की थी, मेरी 53.3 की टाइमिंग थी। अच्छा। मतलब सेकेंड जो एक सेकेंड होती है, सेकेंड का 1 पॉइंट पता नहीं लगता कब मूवमेंट हो जाए उसकी वो। और उसी साल बाघ बिलखा बाघ मूवी की शूटिंग हुई थी जिसमें फरहान अख्तर का रोल रनिंग मैन ने की थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं संजीव और आप देख रहे हैं स्टू फिटनेस हरियाणा। दोस्तों आज मैं हूं ललित के साथ जो कि ओलंपियन प्लेयर हैं। इन्होंने बहुत सारी इंजरियां फेस की है। आज हम बात करने वाले हैं ललित से कि ललित ने कब गेम शुरू किया था और अब ये क्या परफॉर्म करने वाले हैं। तो ललित आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में स्टू फिटनेस हरियाणा में। ललित आपने गेम जो है कब शुरू किया था, आप कितने साल के थे या किसी को देख के शुरू किया था? नहीं एक्चुअली मैंने गेम किसी को देख के कोई स्टार्ट नहीं किया। एक्चुअली मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी लाइफ में, मतलब पढ़ाई से जी चुराता था, मतलब क्लासें बंक करने का शौक था बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में कुछ 2-3 पीरियड होते थे हमारे, स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी हमारी, तो मुझे क्लासेस में अब यार टीचर आएंगी, काम नहीं किया ये नहीं किया वही बात, कंप्लेंट करके जाएगी पिटूंगा, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग के कुछ पीरियड्स मिस करके स्कूल में प्रैक्टिस करता था। कौन सी क्लास की बात है ये? मेरी 9th क्लास की बात है। 9th क्लास की, 9th क्लास की बात है मेरी। और तो मैं पहले ऐसे क्लासेस बंक करके बाहर ग्राउंड पे तो फुटबॉल खेलते थे, मुझे फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, फुटबॉल खेलता खेलता चलता रहता ऐसे ही। तो फुटबॉल में स्टार्टिंग मुझे चोट काफ़ी लगी, मेरे सुबह उतर गए खेलते हुए। मैं मतलब मुझे ये नहीं था कि फुटबॉल खेलना, ये नहीं था कि तरीका क्या है, बस ये था खेलना है, शौक था। ठीक था, जोन लेवल तक फुटबॉल में खेला हूँ, मेडल भी है जोन लेवल तक फुटबॉल में हमारे। फिर मेरा फिजिकल टीचर है, उसने बोला कि भाई मैंने तेरे को रनिंग में डाल दिया है, ठीक है, कल तेरा मतलब कुछ दिन पहले बताया कि तेरा इवेंट है CBSE क्लस्टर में जो कि IGRG कॉलेज में था। तो मैं बोला सर कौन सा इवेंट है मेरा? बोला तुझे 3 किलोमीटर पकड़नी है। यार 3 किलोमीटर मैं सोच रहा पहले, मैं 3 किलोमीटर होता कितना मुझे तो यही नहीं पता था। मेरे लिए तो मैं 3 किलोमीटर छोटा भी डिस्टेंस मुझे उस टाइम यही नहीं पता, शायद छोटा भी बड़ा भी। इससे पहले आपने रनिंग करी नहीं थी एक्चुअली। रनिंग की है जैसे स्कूल में कर लेते थे, ग्राउंड के चक्कर लगा लिए मैंने 5, 6, 7, 8 ऐसे जैसे लगाते और सभी कहते वार्म कर लो तो कर लेता था उनके साथ, बच्चों के साथ वार्म, फिर खेलने लगते सबके साथ। फिर 2-3 दिन बाद मैं खेलने गया कॉम्पिटिशन, घर से कोई नहीं मेरे साथ, स्कूल से हमारे मेरे फिजिकल टीचर संदीप सहकावत हैं गंगा इंटरनेशनल स्कूल के जो फिजिकल टीचर हैं, उन्होंने ही मतलब मैं ये कहूँगा उन्होंने ही मेरा मतलब फर्स्ट जो कोच है मतलब उन्होंने चलना सिखाया मुझे एथलेटिक्स के अंदर। तो मैं गया वहाँ पर खेलने, तो मुझे ग्राउंड का भी नहीं पता ग्राउंड कितने मीटर का, उस टाइम सुनने में आया 200 मीटर का ग्राउंड है, तो मुझे ये भी नहीं पता 200 मीटर ग्राउंड के चक्कर कितने लगाने हैं अपनी लाइफ में। फर्स्ट टाइम कोई ग्राउंड देखा होगा, ये नहीं पता था कि ये ट्रैक कितने मीटर का है, कितने मीटर का ट्रैक है, कितने चक्कर लगाऊँ, 3 किलोमीटर कितने चक्कर हैं। और मैं तो बस पैर के किट, और किट भी कोई ऐसी वैसी किट नहीं थी, बस नॉर्मल घर में जो पहनते हैं टी शर्ट सैंडो ही पहन, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के निकल गया मैं भी, शूज़ पहन के।
कोई ऐसा कुछ है था नहीं कि ब्रांडेड कपड़े थे, कुछ ऐसे नॉर्मल जो घर में पहनते चला गया मैं। ठीक है, वहाँ पर पता लगा जैसे कोल्ड रूम में बुलाते हैं, ऐसे नाम बोलते हैं, चेस्ट नंबर मिला, रनिंग स्टार्ट हो गई हमारी। और उन्होंने बताया कि ऐसे मैंने स्कूल्स के बच्चों से पूछा कि कैसे क्या स्टार्ट हो, बोलेंगे ऑन योर मार्क स्टार्ट देंगे। मैं ठीक है, मैं समझ गया। तो किसी ने बताया कि इनके पीछे पीछे भागना, तो मैं स्टार्टिंग से ही एक लड़के के पीछे चिपक गया, एक दो बंदों के पीछे। तो दो बंदे मेरे से आगे चल रहे थे, उनके पीछे चलता रहा एंड तक, मतलब घंटी बजाई, मुझे लगा क्या है घंटी की बजाई है, तो बोला लास्ट चक्कर है, मैं समझ गया लास्ट चक्कर है। तो मैंने और तेज़ की स्पीड की अपनी तेज, तो जो थर्ड था, मैं थर्ड चल रहा था, तो सेकंड वाले को मैं काट दिया, जो फर्स्ट था वो मेरे से शायद अच्छा था और प्रैक्टिस भी करता था, तो वो फर्स्ट था, मैं सेकंड था। तो बड़ा खुश हुआ मैं, बड़ा मतलब ये लग रहा यार मैं नेशनल सिलेक्शन हो गया, मतलब जोश सा आया, या कभी प्रैक्टिस की नहीं और नेशनल सिलेक्शन हो गया, मज़ा आ गया यार। फिर तो मन मन में ऐसे हो रहा कि स्कूल में पूरा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब अलग ही वो था बस कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ था लाइफ में, ऐसा कुछ किया मैंने। फिर घर गया मैं, घर आने के बाद पापा को बताया मैंने, पापा मैं नेशनल में सिलेक्ट हो गया हूँ। पापा बोलते हैं झूठ बोल रहा है, कैसे सिलेक्शन हो जाए, प्रैक्टिस तो करता नहीं हुआ नहीं था घर पे। हाँ मतलब उनको पता है कि प्रैक्टिस तो करता नहीं है, नेशनल में सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, सही बात, गप फैल रहा है, ये कर रहा है, झूठ बोल रहा है। पापा ने स्कूल में संदीप सर के पास कॉल किया, पूछा उनसे कि संदीप जी ऐसे ऐसे बोल रहा है, सिलेक्शन हो गया इसका नेशनल में। तो सर ने बताया कि हाँ इसका नेशनल में सिलेक्शन हो गया है और ये जा रहा है मतलब खेलने के लिए। तो हम गए खेलने के लिए, मेरा पहला ही कॉम्बिनेशन था, तो उसमें कोई रैंक मुझे याद कंफर्म नहीं है कि मेरी रैंक यही थी, कोई ऐसा याद नहीं है, पर 20 पहले बेस्ट 20 के अंदर ही था, 15-20 के अंदर ही, इतना याद है मुझे। फिर उसके आने के बाद मैंने कोच हायर किया, मुकेश वस है मेरे कोच, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, आज तक जो ट्रेन कर ही रहे मुझे। सुबह मॉर्निंग में पापा मेरे साथ साइकिल पर रनिंग करवाते और शाम को कोच के पास प्रैक्टिस करता मैं। तो मेरे लिए लाइफ का थोड़ा झंझोर मतलब ऐसा था कि काफ़ी चीज़ फेस कर रहा था मैं, मतलब सुबह 4:30 उठना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर 7 बजे स्कूल भी जाना मुझे, और फिर आने के बाद 4-5 बजे, गर्मियों के टाइम पे तो यह 5-6 बजे के आसपास ग्राउंड पे जाता था, सर्दियों में 3 बजे जाना पड़ता था मुझे, 3-4 बजे के बीच में, तो 2 बजे मैं स्कूल से आता था। तो गर्मियों में तो मुझे रेस्ट मिल जाता, पर सर्दियों के टाइम पे बिल्कुल कोई बॉडी रेस्ट नहीं होता था। तो क्लासेस 4 क्लास स्टार्टिंग की, 2-3 क्लास तो देख लेता, फिर उसके बाद हेड डाउन करके सो जाता था क्लास के अंदर। तो स्कूल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, बोले कि आप लंच में चले जाओ और प्रैक्टिस पे ध्यान दो अपनी, मॉर्निंग में प्रैक्टिस करके आओ और लंच में चले जाओ। स्कूल वालों ने भी किया आपको सपोर्ट? पूरा सपोर्ट किया, मतलब स्कूल वाले काफ़ी अच्छे थे मेरे, एक मतलब हर तरीके से फुल सपोर्ट करते थे स्पोर्ट्स के मामले तो में। फिर उसके बाद हर चीज़ में चलती रही, मेरी प्रैक्टिस होती रही अच्छी, अचीव करता रहती थे। मतलब पहला कॉम्पिटिशन जो मैं दिल्ली लेवल पर क्रॉस कंट्री भगा, जो मेरा पहला कॉम्पिटिशन था, और मैं मतलब ये लगा लो मेरे से भी वो मिक्स थी हमारी, मैं अंडर 14, 17 और 19 तीनों कैटेगरी थी उसके अंदर, क्रॉस कंट्री थी हमारी वो, तो जूनियर से सीनियर बच्चे स्कूल के सभी थे उसके अंदर। तो मैं उस टाइम जूनियर, पहला इवेंट आपका क्रॉस कंट्री रहा है, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद। अच्छा, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी उसके बाद मेरा पहला कॉम्पिटिशन क्रॉस कंट्री रहा है। कौन से सन में आपने पहला क्रॉस कंट्री किया? ये 2009 की बात है, 2009 हाँ गर्मियों की बात है 2009 की। तो उस क्रॉस कंट्री में जो पहले पे चल रहा था वो मेरे से काफ़ी अच्छा था, चल रहा था, बहुत आगे गैप था, और मेरा ही स्कूल का एक मेरे ही साथ प्रैक्टिस कर, मतलब मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करता पर वो कहीं और करता था, पर इवेंट सेम थे मेरे, उसके वो मेरे स्कूल से ही खेलता था, सुमित नाम था उस लड़के का, तो मेरे से अच्छा भी था। जिस साल मैं पहला नेशनल खेला उस साल वो गया था हमारे साथ, और उसके 2 गोल्ड थे वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी बात है यार, वो मुझसे सीनियर भी था और उसे देख के कुछ एक्सपीरियंस मतलब मैं सीखा भी, बहुत कुछ सीखा उससे भी। तो फिर चलते चलते ऐसे ही क्रॉस कंट्री में चलता रहा, भागता रहा उनके पीछे पीछे, और जो फर्स्ट पे चला था काफ़ी गैप पे था मेरे से, मतलब करीबन 300-400 मीटर का गैप होगा। लास्ट द मोमेंट में क्या हुआ, धीरे धीरे मैं उस रेस को उठाता आता ही गया, मैं फर्स्ट आ गया। अच्छा, काफ़ी मतलब ये लगा कि यार मैं तो क्रॉस कंट्री जीत गया दिल्ली में, मतलब ये लगा मैं बीट कर लिया दिल्ली में। कुछ ही टाइम बाद, कुछ मंथ्स के अंदर मैंने दिल्ली में सभी प्लेयर्स को, मतलब क्रॉस कंट्री प्लेयर्स को बीट कर दिया स्कूल लेवल पे। फिर उसके बाद समर मीट, टैलेंट मीट ये जो होती है, इनमें मेरे दोनों में गोल्ड। फिर उसके बाद इंटर जोन आया, इंटर जोन खेलने के बाद
मेडल आने के बाद स्कूल नेशनल गए हम। स्कूल नेशनल में हमारा मेरे दो सिल्वर थे उस साल। अच्छा, पहला स्कूल नेशनल कब खेले थे आप? पहला स्कूल नेशनल 2010 में। 2010 में 2010 मैं भी तो गया था भाई आपके साथ। हाँ हाँ, आप भी थे हमारे साथ। तो स्कूल नेशनल खेलने के बाद दो मेडल आने के बाद पहले इवेंट में 3 किलोमीटर था। एक्चुअली मैं यहाँ पर 3 किलोमीटर अच्छी लगा गया था इंटर जोन में सिलेक्शन हुआ जो मेरे 3 कॉम्पिटिशन मैंने क्वालिफाई किया था। तो 3 किलोमीटर जो मैंने टाइमिंग दिया था उस दिन यहाँ पर बारिश भी होती थी ट्रैक पे। बारिश में क्या होता है, ट्रैक गीला होने के बाद मसल्स पावर ज़्यादा लगती है क्योंकि शूज़ चपकते हैं ट्रैक से और ज़्यादा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पावर लग रही थी मेरी बॉडी की। तो टाइमिंग भी अच्छी दी थी, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया 3 किलोमीटर का, 11-12 साल पुराना रिकॉर्ड था जिसका रिकॉर्ड ब्रेक किया वो मुझसे खुद मिलने भी आया इंटर जोन में। अच्छा, और तीनों ही रिकॉर्ड ब्रेक की, नहीं दो रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, 3 किलोमीटर का और 800 मीटर का। 1500 मीटर का बहुत इजी रिकॉर्ड था और वो ब्रेक नहीं कर पाया उस दिन। जिस दिन पहले दिन मेरी 1500 मीटर थी, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया, सर ने मुझे इतनी गालियाँ सुनाई, ये वो बोला, बहुत बोला। अगले दिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर कि मैं 3 किलोमीटर रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा, मुझे टफ लग रहा था। और मैंने 3 किलोमीटर का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जो मुझे टफ लग रहा था उसी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। फिर 800 मीटर का रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने। स्कूल नेशनल गए, स्कूल नेशनल पहला इवेंट में 3 किलोमीटर मिल गया वहाँ पर मुझे रनिंग की। मैं मतलब वहाँ पर पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मेरी परफॉर्मेंस एकदम डाउन मिली मुझे 3 किलोमीटर में। मैं जो टाइमिंग देगा टाइमिंग नहीं दी मैंने, मैं फोर्थ रह गया वहाँ पर। फिर उसके बाद 1500 मीटर में 800 मीटर कॉम्पिटिशन बच गए दो मेरे। तो काफ़ी सैड था मैं, मेरे कोच, मेरे पापा, फर्स्ट टाइम ऐसे गए थे सभी, पापा भी साथ में गए थे। तो रूम में गए, सर ने मेडिटेशन करवाया मुझे कॉम्पिटिशन पहले। मेडिटेशन के अंदर मेरे को सर ने मतलब मेडिटेशन करवाते टाइम मुझे खुद रिलाइज हुआ, ये बात तो शायद भाई पुणे की है। हाँ, ये पुणे की है। हाँ, पुणे की बात, पुणे की बात है। तो ये बात जब हुई मतलब मेडिटेशन हुआ तो उस टाइम मतलब मैंने मेडिटेशन के अंदर मैंने खुद अपनी रेस देखी कि मैं 1500 मीटर में दूसरे पे हूँ। मुझे सब मुझे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा अपने, पर मुझसे एक बंदा आगे था। और रियलिटी में वही हुआ मेरे साथ कि मैं सेकंड था, फर्स्ट कोई और था 1500 मीटर में। और 1500 मीटर में रिकॉर्ड ब्रेक किया था हमने, पर वो ये है कि जिसने फर्स्ट है उसका नाम पे रहेगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ब्रेक मैंने भी किया था। फिर 800 मीटर में भी सेकेंड आया, वहाँ पर ही रिकॉर्ड ब्रेक किया 800 मीटर का भी। दोनों में हमारे मेरे सिल्वर मेडल आ गए। तो फिर थोड़ा हाँ मन को थोड़ा दिल को अच्छा लगा, हाँ यार चलो इज्जत बचानी कुछ तो दिखाने के लायक हुए। स्कूल में गया, स्कूल में भी काफ़ी अच्छा लगा, स्कूल वालों ने भी बहुत मोटिव किया, बहुत वो किया मेरे लिए। उसके बाद CBSE जो नेशनल था हमारा जयपुर था एक, अच्छा उसमें मेरे 3 गोल्ड आए थे और बेस्ट एथलीट बना था मैं CBSE नेशनल का उसी साल। वहाँ पर भी क्या क्या इवेंट रहे थे भाई वहाँ पर? वहाँ पर मेरे 3 किलोमीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर, यही तीनों इवेंट किए थे मैंने वहाँ पर भी। तो वहाँ पर बेस्ट एथलीट रहा था मैं। फिर उसके बाद जनरली स्टार्ट हो रही थी मेरे बीच, मुझे इंजरी आई, हील इंजरी आ गई थी एक मुझे। अच्छा, तो काफ़ी टाइम रही मतलब वो 2 महीने रही मेरे को शायद, पर ट्रेनिंग ही नहीं था मैंने, वो इंजरी है तो मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी, मैं ट्रेनिंग ही छोड़ी, मैं करता रहा। अच्छा, जैसे इंजरी में भी आपने ट्रेनिंग ट्रेनिंग की मैंने, बट हम कहते हैं हमारे इसमें ना थोड़ा जो होता ना ये अपने होते हैं हरियाणा दिल्ली के लड़के पंजाब के, इनमें थोड़ा ऐसा ही होता है कि ये डॉक्टर ही नहीं मानते अपनी चलाते हैं। तो वो एक चीज़ मेरे साथ थी कि हम डॉक्टर ही नहीं मानते अपनी चलाते हैं, कुछ नहीं ठीक हो जाए ऐसे, करता रहा थोड़ा इंजरी बड़ा, फिर कम हो गया। फिर मतलब धीरे धीरे मैंने डेली सिखाई का जो करनी है थेरेपी लेता रहा तो मैं ठीक हो गई फिर कम्प्लीट। फिर उसके बाद जूनियर नेशनल में 2010 में भी मेरा ब्रॉन्ज रहा था किलोमीटर में, वहाँ पर मैंने 3 किलोमीटर भी की थी, पर 3 किलोमीटर मेरी ट्रैवलिंग की वजह से मेरा 3 किलोमीटर अच्छा नहीं जा पाया क्योंकि मैंने फेडरेशन के मतलब जो भी टिकट विकट बुक थी कंफर्म नहीं थी, हमारी सीट नहीं मिली थी मैं ट्रेन में, तो ऐसे ही ट्रैवलिंग करनी पड़ी। तो मैंने घर वाले बोल रहे थे कि हम करा दे टिकट आराम से फ्लाइट से चला जाता हूँ वहाँ पर, तो मैंने मना कर दिया, मैं टीम के साथ जाना पसंद करूँगा आपकी बार, क्यों मैं हमेशा मतलब जब भी 2-3 कंपटीशन स्टार्टिंग में खेले मैंने तो वो सभी मैं फ्लाइट से ही गया तब। तो उसके बाद वहाँ पर मेरा 3 किलोमीटर बेकार हो गया, तो मैं काफ़ी वो था। फिर किलोमीटर था इवेंट मेरा अंडर 16 का, उसमें मेरा ब्रॉन्ज आ गया। तो वहाँ पर मैं ये लगा कि हाँ बस लो एक मेडल दवाया कि अच्छा लगा मुझे मेडल आया, मेरा जूनियर से पहला मेडल था और काफ़ी खुशी भी हुई थी मेरी। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने अपने नेक्स्ट टारगेट लिए, जो मेरा मतलब एक टारगेट अचीव करने के बाद अगर इस साल मैं जैसे कोई भी इवेंट भागा हूँ उसकी इवेंट की टाइमिंग जो होती थी उससे सोचता था अब मैं इससे और बेस्ट करूँ,
एक टारगेट लेकर चलता था, मगर अब मुझे ना 152 की लगानी है, अब मैंने 155 की लगाई है इस साल, तो बोले नेक्स्ट ईयर मैं 152 की लगाऊं और 3 किलोमीटर 8 मतलब उस टाइम 8:40 की ऐसे सोच के मैंने ऐसे ऐसे डिसाइड किया होता ये इवेंट मैंने अपना टाइमिंग कम करना है इनमें। तो ऐसा ही हुआ, फिर 2012 में 11 में लुधियाना कॉम्पिटिशन हुआ, 11-12 में स्कूल नेशनल क्योंकि उससे पहले मुझे टाइफाइड हो गया, जूनियर नेशनल था उससे पहले हमारा, मैं टाइफाइड की वजह से जा नहीं पाया, फिर मैं खाली स्कूल नेशनल खेला, उस ईयर में एक ही कॉम्पिटिशन खेल पाया नेशनल अपना, तो वहाँ पर ही मेरा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आया था, और वहाँ पर मैं दोनों अपनी इवेंट दोनों बेस्ट की मैंने टाइमिंग अपनी, मैंने 1500 मीटर की मेरी पहले जो थी टाइमिंग उससे मैं 3 सेकंड कम की है, और 800 मीटर में 2 सेकंड कम की थी, पहले मैं 1:55 की भागा था, फिर मैं 1:53 की भागा था, फिर उसके बाद मैं दिल्ली आने के बाद फिर अपनी कोई डेली का रूटीन प्रैक्टिस चलने लग गई, कॉम्पिटिशन के ऊपर टारगेट होने लग गया, फिर उसके बाद 2012-13 स्कूल नेशनल हुआ और जूनियर नेशनल हुए हमारे। जूनियर नेशनल में क्या हुआ कि एक रूल बना दिया कि एक बंदा ट्रैक फील्ड का एक ही इवेंट कर सकता है, तो मैं 2 में एंट्री थी मेरी 1500 मीटर 800 मीटर में, तो मैंने 800 मीटर की वहाँ पर मेरा सिल्वर है, एक्चुअली सिल्वर इसलिए मैं गिर गया वहाँ पर रेस में, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरी बॉडी की इतनी स्पीड होगी, मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल होगी बॉडी की स्पीड नहीं संभली, मतलब बॉडी इतनी फास्ट थी कंट्रोल नहीं हुई मेरी स्पीड है बॉडी से, बॉडी कोई तो आगे जाता है मतलब स्पीड कंट्रोल नहीं तो आगे चला गया, मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल घूम गई बॉडी। अच्छा हाँ, और जो मुझसे जो फर्स्ट आया था वो बिल्कुल मुझसे 1 माइक्रो सेकेंड आगे था, उसकी 1:53.2 की थी, मेरी 1:53.3 की टाइमिंग थी। अच्छा, मतलब सेकेंड जो एक सेकेंड होती है सेकेंड का 1 पॉइंट पता नहीं लगता कब मूवमेंट हो जाए उसकी, वो तो रहा था। फिर उसके बाद मैंने स्कूल नेशनल था मेरा, तो जो इटावा था उसमें बेस्ट एथलीट बना मैं, नैनो कार मिली मुझे अखिलेश यादव ने, भाई को नैनो कार मिली थी भाई वहाँ पे जो है बेस्ट एथलीट बने थे एथलेटिक्स में, और काफ़ी मतलब गिफ्ट मिली थी वहाँ पर, साइकिल भी मिली थी एक, सब पार्टिसिपेंट साइकिल भी मिली थी, तो पहले तो उम्मीद नहीं थी मैं बेस्ट एथलीट बनूँगा, पर बाद में मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ तो काफ़ी खुशी हुई मुझे, हाँ भाई नैनो मिली है बड़ा अच्छा लगा कि एक नेशनल में स्कूल नेशनल में कार मिल रही है, तो मैं बहुत खुश था मैं उस साल, मतलब फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा ना भाई ऐसा, तो ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ था मैं स्कूल नेशनल में ऐसे रिकॉर्ड बनाने पे नैनो दे रहा है, बेस्ट एथलीट पे रिकॉर्ड बनाने पे नहीं थी, बेस्ट एथलीट पे थे, तो काफ़ी खुशी हुई मतलब बना अलग सा ही एक मोमेंट हुआ, गांव वालों ने अलग से मुझे इंक्रेज किया, मेरा मोटिवेशन वेलकम किया अच्छा सा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर थोड़ा थोड़ा मतलब जो एक गांव के आगे फेस आया मेरा जो सबके सामने एक इमेज बनी, उसके बाद थोड़ा मेरी एक हर एक बिहेवियर में पर्सनैलिटी वाइज टॉकिंग वाइज हर चीज़ में चेंज कर लिया मैंने, हर बंदे से मतलब हर चीज़ से मतलब तरीके से बात करने लग गया, क्योंकि कोई मैं नहीं चाहता था कि मैं कल को कुछ भी मेरी कुछ ऐसा गलत काम कर दूँ जिसकी वजह से मेरे गांव वालों का किसी का नाम चुके या मेरी बदनामी हो, तो घर वाले बोलते बेटा जो आज मान मिला है पगड़ी बंदी है ना तो इसकी हमेशा शान रखना, कोच ने भी ये बात बोली घर वालों ने बोली, तो मैंने बोला हाँ इसकी हमेशा शान रखूँगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर आती है मेरी कॉलेज लाइफ। अच्छा, फिर मैं कॉलेज लाइफ में जाता हूँ, अपनी कॉलेज लाइफ में जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, अच्छी ट्रेनिंग होती है बाहर, सिलारू ट्रेनिंग IELTS ट्रेनिंग की मैंने काफ़ी, IELTS ट्रेनिंग कौन से कॉलेज से की भाई आपने? खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, खालसा कॉलेज से था, और उसी साल बाघ बिलखा बाघ मूवी की शूटिंग हुई थी जिसमें फरहान अख्तर का रोल रनिंग मैंने की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो भाई है इन्होंने जो है बाघ मिलखा बाघ जो मूवी थी उसके अंदर भी काम किया है, कई बामिल हवा की जितनी भी लगभग काफ़ी दिल्ली में जो शूटिंग हुई है वो मैंने की थी, उसका डबल रोल ऊट के ट्रैक पे राज राइफल में, नेहरू स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम में, वहाँ पर मतलब मैंने शूटिंग की है, मतलब रनिंग का स्टार्टिंग का स्टेप उसका होता था, बीच की रनिंग जो होती मैं करता था उसकी जगह। अच्छा हाँ, काफ़ी सीने मैंने किए हुए हैं। फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में आने के बाद कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते ही जितने भी इंटर कॉलेज के रिकॉर्ड थे वो सभी ब्रेक कर दिए मैंने, सभी टोटली ब्रेक किए मैंने, और फिर मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुआ, मैंने वहाँ पर क्लैश हो रहा था मेरा इवेंट, एक ही दिन दोनों इवेंट हो रहे थे काफ़ी मतलब बहुत हीट क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनल ऐसे इवेंट थे वो, तो
तो मतलब क्लैश होते, मैं सोचा एक इवेंट कर लेता हूँ, दो इवेंट मुझसे होंगे नहीं, एक दिन में तीन तीन चार चार रेस भागनी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बॉडी की बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने वहाँ पर अपनी 800 मीटर की और मैंने बेस्ट टाइमिंग दी अपना, वहाँ पर बेस्ट टाइम दिया, वो मिट्टी के ट्रैक पे। अच्छा, नहीं भी सिंथेटिक ट्रैक पे, मिट्टी ट्रैक पे सिंथेटिक ट्रैक में काफ़ी गैप हो जाता है टाइमिंग का, कोई काफ़ी डिफरेंट रहता है। वो सिंथेटिक जो होता है थोड़ा स्पीड का ट्रैक होता है, मिट्टी का थोड़ा स्लो हो जाता है, उस पर टाइमिंग थोड़ी स्लो आती है। तो जिस जो टाइमिंग दी थी मैंने बेस्ट दी थी मिट्टी के ट्रैक पर। तो वहाँ पर मैं सिल्वर आया पहले साल ही इंटरनिवर्सिटी में, मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई पहले साल मैंने मेडल दिया इंटरनिवर्सिटी में, सीनियर कॉम्पिटिशन हो जाता है, इंटरनिवर्सिटी सीनियर के बराबर होता हमारा। फिर उसके बाद मेरा जूनियर नेशनल एक और रह गया था बैंगलोर आना, जिसमें मेरे दो गोल्ड आए थे। कौन से सन में? 2013 में। हाँ, मेरा दोनों में गोल्ड थे और मैं अपनी 800 मीटर पहला इवेंट वहीं भगा था, पहला इवेंट वहीं भगा था 400 मीटर। अच्छा, आपने इवेंट चेंज किया था? मैंने 1500 मीटर छोड़ के 400-800 पे चेंज, उस टाइम मैंने चेंज कर दिया था। अच्छा, 13-14 की बात ये, तो मैंने वो चेंज कर दिया था वहाँ पर। ये बात है 2013 दिसंबर की, जब मेरा पहला कॉम्पिटिशन 400 मीटर का वहीं हुआ था और मेरा वहाँ पर गोल्ड आया था। 47 की मैंने टाइमिंग दी थी वहाँ पर, क्योंकि मेरे लिए बहुत एक चेंज, मतलब एक होता है ना, मतलब हर चीज़ अलग सी हो गई, मतलब इवेंट वो कहते हैं ना, जैसे बॉक्सिंग वाले के कुश्ती करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एक मतलब इवेंट वो ऐसा इवेंट था कि मेरे लिए 800 मीटर 1500 मीटर एक सेम इवेंट होते थे, और शॉर्ट्स इवेंट जो स्पीड इवेंट थे जो 400 मीटर 200 मीटर वो एक प्रकार से अलग होते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल मेरा एकदम चेंज हो गया वो सब कुछ। तो मैं फोन जैसे ही मैं किया स्टार्ट, तो उसमें एक स्टार्ट पोजीशन आ जाती है, बैठ के स्टार्ट करके भागना पड़ता है, और जो 800 मीटर है वो स्टैंड करके भागना पड़ता था हमें, उसमें कोई बैठ के उठ के नहीं भागना पड़ता था। तो काफ़ी चेंज हो गया उसमें मेरा, काफ़ी स्टार्टिंग में वो रहता था कि भाई कैसे भागना, फाउल स्टार्ट ना हो जाए, काफ़ी उसमें दिक्कतें रहती थी। तो स्लो स्टार्ट था मेरा, बहुत ज़्यादा स्लो भागता था स्टार्ट में, स्टार्टिंग में मेरा स्लो इतना था कि जो बंदे मेरे से पीछे लाइन में होते थे वही मुझे पकड़ लेते थे। अच्छा, हाँ, इतना स्लो स्टार्ट था मेरा। एक्सेलेशन जो टाइम होता है मेरा बहुत स्लो निकलता था वहाँ से, मैं स्टार्ट एक्सेलेशन टाइम दोनों चीज़ मेरी बहुत स्लो थी। तो थोड़ा मैं तो ये भी कहूँ अभी मेरा वो स्लो ही है। अच्छा, अभी मेरा चेंज नहीं हुआ, वो भी अभी चल ही रही है उस पर तैयारी आज तक। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पर गोल्ड जूनियर्स में गोल्ड आने के बाद आया घर पे, अच्छा लगा कि दो गोल्ड दिए मैंने दिल्ली को जूनियर नेशनल में। फिर मेरा एक, मैं कई बार घर पे बोलता मेरा इंटरनेशनल कोई कॉम्पिटिशन होता तब भी मेरा मेडल नहीं आता था। जूनियर फेडरेशन, यूथ नेशनल, इन ये दो तीन कॉम्पिटिशन मैंने खेले पर मेरा कभी मेडल नहीं आया। अच्छा, मैं घर पे मम्मी को मतलब एक नाराज सा चेहरा जो होता है ना, सैड सा चेहरा लेके बोलता हूँ मम्मी जहाँ सबसे ज़्यादा मेडल देता हूँ और इन कॉम्पिटिशन पता नहीं क्या होता कि मेरा मेडल नहीं आता इंटरनेशनल टाइम पे, जिससे इंटरनेशनल गेम्स में सिलेक्शन होता है। जब स्कूल में से नैनो मिली थी और वो कॉम्पिटिशन उस साल मेरी एज निकल गई, इंटरनेशनल मिलता था, स्कूल एशिया गेम था, स्कूल वर्ल्ड स्कूल गेम था, उस साल वर्ल्ड स्कूल था तब, उस साल मेरी एज भी निकल गई। तो बड़ा मैं घर पे इस मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, उस साल घर पे मैं थोड़ा ऐसे बात करता थोड़ा सैड से, तो बड़ा बोलते कोई नहीं, तो अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा, अच्छा खेलेगा, तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन खेलेगा, भगवान ये चाहता है कि तुझे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन खेला, तुझे एकदम छप्पड़ फाड़ के देंगे, बड़ा कॉम्पिटिशन देंगे। अच्छा, तो शायद मेरे लिए ऐसा ही हुआ। फिर मेरा लूस ऑफ होनिया गेम्स है, पोर्चुगल कंट्री में होता है ये, और सीनियर कॉम्पिटिशन था वो हुआ मेरा, गोवा में था वो, वहाँ पर मैं 12-13 कंट्री थी, तो मैं सेकंड आया था 800 मीटर में 2014 फरवरी की बात है ये। फिर आने के बाद इंडिया कैंप में मेरा नाम आ गया, तो मैं इंडिया कैंप में मेरा थोड़ा मन, मेरा बाहर जाए मन नहीं लगता कैंपों में, मैं घर रहता था, घर वाले बोलते जा बेटा कैंप में बुला रहे थे, मैं नहीं, मैं घर पे ट्रेनिंग करूँगा। मुझे सर भी बोलते कि कैंप में क्यों नहीं जा रहा, मैं सर मैं नहीं जा रहा कैंप में, मन नहीं लगता, क्यों अजीब सा हो जाता कैंप में, क्योंकि मैं कैंप का मेरा पहले चस्का बहुत ज़्यादा था कैंप का, जब मैं जूनियर था कैंप में कहते सभी कैंप में जाओ, इंडिया कैंप का नाम सुना था मैंने, तो सारा खत्म गोवा में जाने के बाद मेरा सारा क्रेज़ खत्म हो गया कैंप का नाम का, जब मैं एक महीना रुका ना वहाँ पर, तो मेरा बिल्कुल टोटली कैंप से मतलब ये हो गया मैं नहीं जाऊँ कभी लाइफ में कैंप में। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन की, तैयारी की, अच्छी तैयारी की, मतलब मैंने 400 मीटर की ये पूरा 7-8-9 महीने हुए थे तैयारी करते करते, और मतलब दिल्ली का सबसे फास्टेस्ट बन गया, दिल्ली में आज तक कोई नहीं भागा। अच्छा, कौन से सन की बात है ये? 2014 की बात है, 46 की रनिंग की मैंने। अच्छा, 400 मीटर की, मतलब अच्छा, दिल्ली में उस टाइम तक कोई नहीं भागा था, दिल्ली पहले कोई नहीं भागा, दिल्ली में उस टाइम तक कोई नहीं भागा 46 की आज तक, मतलब मैं सबसे
फास्ट दिल्ली में सबसे फास्ट मैंने ही भागा था, मैं जूनियर एज का लड़का था, सबसे फास्ट मैंने ही भागा था। और शायद मैं ये भी कह सकता हूँ जूनियर एज में इंडिया में ही मैं सबसे फास्ट मैंने भागी हो। अच्छा, उस टाइम मेरी जूनियर एज थी, 20 था मैं, जूनियर नेशनल में 4699 का रिकॉर्ड था और मैं भागा था 46.8 की। अच्छा, तो मैं सबसे बेस्ट भागा था उस टाइम जूनियर इंडिया में, मैं सबसे फास्ट आज तक कोई भागा नहीं था। खैर तो काफ़ी अच्छे बच्चे आ गए, कर रहे अच्छे अच्छे। तो उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल आ गई, अच्छी तैयारी चली थी मेरी, काफ़ी अच्छी तैयारी की मैंने और मैं क्वालीफाई भी कर गया कॉमनवेल्थ के लिए। ये बात 2014 की बात है, मतलब कॉन्फिडेंस ही ना मुझे, मैं सीनियर कॉम्पिटिशन था मेरा, तो यार अभी तो जूनियर ही हूँ तो मुझे तो ये लग रहा था कि यार सीनियर कॉम्पिटिशन खेल तो रहा हूँ मैं, पर क्या होता है मेरा मेडल ना आए ना आए, पर ऐसी करनी हुई मेरा, मतलब मेडल भी आया वहाँ पर, मैं क्वालीफाई भी कर गया कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और मेरे को मतलब कॉमनवेल्थ की टिकट मिल गई। फिर उसके बाद मैं कैंप में गया, कैंप से क्या होता, मैं पटियाला कैंप लग गया था, हमारा इंडिया कैंप था, तो फर्स्ट टाइम मैं काफ़ी सीनियर प्लेयर्स थे, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, काफ़ी मतलब फेमस स्टार जो प्लेयर थे उनसे मिला अपनी लाइफ में, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स से वहाँ पे मिले। हाँ, लगभग सभी से मिला, बॉक्सरों से, एथलीट मतलब शूटिंग काफ़ी उसे मिला, एथलीट के प्लेयरों से भी जिनका नाम नाम सुना था, देखे थे बस दूर दूर से, उनसे मिला। तो फिर कैंप में जाने के बाद पटियाला मेरा कैंप था, वहाँ पर कैंप में गया अपने, कैंप में क्या होता मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सैटरडे संडे बहाना भाई घर भागा था। अच्छा, कोई ना कोई बहाना, किसी ना किसी चीज़ का बहाना मुझे घर जाना, मन लगा नहीं आप, मन नहीं लगता मेरा कैंप में बिल्कुल, क्योंकि एक कमरे में मैं ही रहता था बस, उस रूम में अकेला मैं ही था और कोई नहीं था रूम में, अकेले रूम में यार मैं मतलब फर्स्ट टाइम मुझे अजीब सा लग रहा, डर लग रहा उस कमरे में रहते हुए, तो मुझे लग रहा पता नहीं कौन है कमरे में, कोई आ रहा जा रहा, ऐसा लग रहा फील हो रहा कि जैसे कोई कुछ हो यहाँ पर। अच्छा, तो क्योंकि वो इसलिए लग रहा था क्योंकि वो एक पुराना महल है वहाँ पर NIS के अंदर, काफ़ी बंदर भी है वहाँ पर, तो रात को मुझे डर लगता था कि बंदर इधर आ जाए उधर, काफ़ी डर लगता था मुझे। तो हर सैटरडे संडे में घर भागा था, तो घर वाले भी गुस्सा हो गए, कोच भी गुस्सा हो गया मेरा, बोले भाई ऐसी अच्छी बात नहीं है, बाई चांस कुछ भी है इन बिटवीन, कुछ भी है सपोज कर कुछ इंजरी हो जाए या कुछ भी है, कहीं चोट लग जाए तुझे तो कॉमनवेल्थ गेम्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी बोल के घर वालों की मैं सुन के मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैं कैंप में कुछ एक महीना बिल्कुल कंटिन्यू रुका, फिर उसके बाद हम खेलने चले गए बाहर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने। अच्छा, वहाँ डिस्क्वालीफाई हो गया वहाँ पर टीम हमारी रिले की, डिस्क्वालीफाई होने के बाद काफ़ी मतलब एक दिल सा टूट गया, मतलब यार ये क्या होगा हमारे साथ, बट कोई नहीं, पहला मेरा तो पहला लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था इन सीनियर सीनियर कॉम्पिटिशन का भी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का इतने बड़े लेवल पे खेलने का। उसके बाद फिर जूनियर नेशनल में सिलेक्शन किया मेरा, मैंने मना कर दिया सर मैं जूनियर नेशनल अब नहीं खेलूँगा। अच्छा, क्यों जी, ये थोड़ा लैज हुआ कि यार मैं अब सीनियर में, जब मैं सीनियर को कॉम्पिटिशन दे रहा हूँ तो मैं जूनियर को क्यों करूँ, किसी और का मेडल आ जाए अच्छी बात है। नहीं, ठीक बात है भाई, क्योंकि यार ये थोड़ी है कि मैं ही वो चांस लेता रहूँ, किसी और को मौका मिलना चाहिए, किसी और का भी मेडल आना चाहिए, औरों का भी कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। तो मैंने अपने इस चक्कर में कज़न है जैसे अमित माथुर है, उसका सिलेक्शन हो गया, मैं ये चला जाए मैं जाऊँगा, तो हो गया जूनियर नेशनल में। तो फिर कोच साहब बोले भाई इंटरेस्टी खेलनी पड़ेगी तुझे, कोच में तो एडमिशन था ही मेरा, इंटर कोच भी खेला उसके बाद, तो बोले खेलनी पड़ेगी भाई। मैं बोला सर मैं नहीं खेल रहा, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने वाला इंटरनेशनल में क्या करूँगा। फिर बोले सर कि भाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी उससे, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की वैल्यू लगा लो ओलंपिक के बाद आती है, बाहर बहुत ज़्यादा वैल्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की, अगर इंडिया में नहीं हो उसकी इतनी वैल्यू, पर बाहर वर्ल्ड में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, कॉमनवेल्थ से भी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का, वर्ल्ड लेवल का कॉम्पिटिशन होता है वो। तो वहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जो 2015 में मैंगलोर थी, 14-15 में मैंगलोर, वहाँ पर मैंने 11-12 साल रिकॉर्ड पुराना था वो 400 मीटर का, उस दिन भी ऐसा ही सेम ऐसा ही हुआ कि 800 मीटर भी क्लैश हो रही थी मेरी, मैं फिर 400 मीटर का डिसाइड किया, मेरी 400 मुझे अच्छी भी लगने लगी थी काफ़ी, और मतलब एक अलग ही रहता था जोश उसमें, अलग ही पावर फील करता था मैं, वो मेरे पास रेस भी है उसकी उस कॉम्पिटिशन की। तो एक पहाड़ पर था वो ट्रैक थोड़ा हाई एल्टी पे, जो सेमीफाइनल थी मेरी वो मैं बिल्कुल रिलैक्स भग गया 47 में शाम को, इवनिंग में मतलब फिर मेरी फाइनल होनी थी, वहाँ पर क्या हुआ इवनिंग में हवा चलने लगी बहुत तेज, और जिसकी वजह से मतलब मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई, स्पीड ब्लॉक हुई मेरी, नहीं तो मैं शायद और अच्छा कर देता, और अच्छी टाइमिंग देता वहाँ पर 46 समथिंग कुछ देता मैं, 46.5 की या 46.4 की ऐसे टाइमिंग देता मैं, फिर मेरी 47.00 की आई बिल्कुल नेट 47 डेड की। अच्छा,
तो रिकॉर्ड भी मैंने कुछ माइक्रो सेकंड से ब्रेक किया था, वो 12-13 माइक्रो सेकंड से ब्रेक कर दिया था मैंने वो ब्रेक रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड ब्रेक होने के बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई, चलो मेडल तो था ही लेना ही था, बट एक रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। और दिल्ली का खाली पूरी दिल्ली टीम में एक मेरा ही मेडल था उस टाइम। अच्छा, किसी या कोई मेडल नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अच्छा, कोई मेडल नहीं, मेरा मेडल था उस टाइम, एक मेडल था। फिर जो मेरे मेडल आने के बाद कॉलेज वालों ने बड़ा मतलब स्कॉलरशिप दी मेरे को। उस टाइम मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया था, खालसा में लिया था दूसरे में, जो करोल बाग है ओल्ड कॉलेज है जो पुराना सबसे खालसा का, उसमें ले लिया था एडमिशन। तो वहाँ के मतलब जो हमारे जो फिजिकल टीचर है, जो डीपी है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, अच्छा मतलब स्कॉलरशिप दिलाई कॉलेज से, काफ़ी अलग से ही मतलब अलग ही वो किया मेरे लिए, सब स्पोर्ट्समैनों के लिए से अलग दिया मेरे को उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल के मैं आ गया, मतलब मेरा मेडल नहीं आया वहाँ पर, मैं इतना फिट नहीं था क्योंकि मेरे को उस साल टाइफाइड हो गया था। अच्छा, टाइफाइड मेरा, हाँ उस साल, ये 2015 की बात है, नेशनल गेम्स हुए थे, नेशनल गेम्स में ही मेरे को हुआ था, लगभग बीमार हो गया था नेशनल गेम में। नेशनल गेम्स में मैंने जो 2015 में केरला में हुआ था उसमें मैंने 400 मीटर इवेंट और 800 मीटर दोनों किए थे। वैसे तो जो 400 मीटर इवेंट था उसमें मेरा सिल्वर था विद रिकॉर्ड के साथ ब्रेक करके मैं मेडल आया था, क्योंकि उस साल जो सीनियर मेरे से प्लेयर थे आरोके राजीव काफ़ी वो मतलब टॉप पे था, वही था 400 मीटर में। फिर उसके बाद मैं हो गया था उसके साथ साथ, मतलब हम इंडिया के टॉप दो हम थे। तो फिर मेरा 800 मीटर इवेंट था नेक्स्ट, मेरा 800 मीटर इवेंट था, तो थोड़ी मुझे अपनी बॉडी मतलब बिल्कुल डाउन डाउन से लगी, सर में पेन होने लग गया मुझे, मुझे लगा शायद जान लग गई हो बॉडी की ज़्यादा, इसलिए लग रहा हो। तो मैंने इलेक्ट्रोल एनर्जी ड्रिंक जूस जस पिए वहाँ पर, तो मैं हीट तो अपनी 800 मीटर की बग गया, हीट बगा मैं अपनी 800 मीटर की 151 की, 1:51 की हीट बगा मैं। नेक्स्ट डे मेरी फाइनल थी, फाइनल में मेरी ऐसी बुरी हाल हो गया, ऐसा बुरा हाल आ गया, मेरे चक्कर आने लग गए, एक चक्कर लिया मैंने, उसके बाद मेरी रेस छोड़नी पड़ गई। उस समय तो मैं ट्रैक पर गिर जाता वहीं की वहीं, मेरी बिल्कुल ही बॉडी अंदर कोई जान नहीं बची थी। अच्छा, मुझे छोड़नी पड़ी वो रेस, और वो 800 मीटर ये लगा लो 152 में गोल्ड गया था, और मैं हीट बग गया था 151 की। अच्छा, हाँ, तो उसमें मेरा मेडल आता, अगर मैं ठीक रहता और मैं वो इवेंट कर लेता उस टाइम, मैं बीमार नहीं हो पाता, तो शायद मेरा मेडल गोल्ड ही रहता 800 मीटर में, क्योंकि 800 मीटर में मैं काफ़ी टफ मतलब टफ कॉम्पिटिशन करता था सबके साथ। फिर उसके बाद तैयारी की, ओलंपिक की अच्छी तैयारी की मैंने, बहुत मतलब मेरे लिए वो मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, वो बहुत बड़ी बात थी, ड्यूटी भी करनी ट्रेनिंग भी करनी। अच्छा, ड्यूटी में टूट जाता पूरे दिन स्टेशन पे, जहाँ रेलवे में जॉब लग चुकी, जॉब लग में लग चुकी थी मेरी, ड्यूटी भी करनी, अक्टूबर में कभी ट्रेनिंग से घर आ गया था मैं, मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ट्रेनिंग भी करनी ड्यूटी भी करनी और फिर मतलब ट्रेनिंग दोबारा से, रेस्ट भी नहीं मिलता था। पर मैंने कैसे कैसे उनको सबको मैनेज करके अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया, ड्यूटी पर नहीं, वहाँ पर ही कुछ ना कुछ मैंने मैनेज करके कुछ कर लिया अपना काम वहाँ पर ड्यूटी पर। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस था 400 मीटर पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा, और मैं जो एडेप्टेशन टाइमिंग थी ना उनसे मुझे बिल्कुल कोई ये नहीं कर रहा था, जितने भी कोच थे, जितने भी यार दो मतलब जितने भी फ्रेंड सर्कल ये इवेंट के लड़के थे मेरे, सभी ये कह रहे थे अब की बार मैं इंडिया रिकॉर्ड बनाऊंगा 400 मीटर का। अच्छा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी, बिलीव था सबको, सबको मतलब टोटली मेरे बिलीव था कि मैं 400 मीटर में इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा अब की बार। अच्छा, इतनी फास्ट रेस थी मेरी, इतनी मतलब अच्छे रेपिटेशन थे उस रेपिटेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग हम लगाते थे तो लगता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देखा जाता था कि मैंने रेपिटेशन लगाया था 500 मीटर का, और मैं 500 मीटर के अंदर पहली 400 मीटर है ना, जो पहली 400 मीटर मैं 46 की निकल गया था। तो ये लगा लो मैं लास्ट 100 मीटर भी तो कवर करनी है, उसके लिए भी जो एनर्जी बचाई होगी मैंने, तो देख लो मेरी एक मिनट में आई थी पूरी टोटल, एक मिनट में। अगर मैं 400 मीटर भगता खाली तो शायद मैं 45 की आराम से भगता उस टाइम। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी मेरी स्पीड भी थी, काफ़ी अच्छे रेपिटेशन भी थे मेरे, मैं मतलब जो 200 के जो एथलीट हैं उनको रेपिटेशन में ब्रेक करने लग गया था। अच्छा, हाँ, उनके अच्छी टाइमिंग मेरी थी। फिर भाई मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी की, मेरी 400 मीटर में मेडल तो आया नहीं यहाँ पर फेडरेशन कप में, अप्रैल में जो हुआ, और 800 मीटर में कोई तैयारी नहीं थी। 800 मीटर में बेस्ट बग गया अपनी लाइफ की बेस्ट 46.7 की, और कुल एक सेकेंड से ना, मेरे एक सेकेंड से मेरा 800 मीटर में क्वालीफाई रह गया, एक सेकेंड से 800 मीटर में क्वालीफाई रह गया, कुछ माइक्रो सेकेंड ही बची हुई थी, कुछ माइक्रो सेकेंडों से ही, नहीं तो मैं 800 मीटर में जो क्वालीफाई हो जाता मेरा। फिर गवर्नमेंट ने इंडिया फेडरेशन ने हमें बाहर भेज दिया तैयारी के लिए, ओलंपिक तैयारी के लिए, पोलैंड तैयारी की मैंने, वहाँ पर भी अच्छे कॉम्पिटिशन खेले मैंने। अच्छा, बाहर भी आपने ट्रेनिंग? हाँ, बाहर ट्रेनिंग की है मैंने, मैंने
पोलैंड की, तुर्की गया कॉम्पिट्स खेलने, काफ़ी जगह गई, रशिया ओलंपिक की तैयारी, ओलंपिक तैयारी की है, यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स खेली, वहाँ पर ही मेरा मतलब 400 मीटर में सिल्वर था। अच्छा, हाँ अच्छी टाइमिंग थी, वहाँ पर ही 46 की थी मैंने। फिर उसके बाद दिल्ली आ गए हम, बेंगलोर गए, बेंगलोर इंडिया कैंप रहा, हमारी लास्ट फाइनल रेस थी उस दिन, हमने टीम क्वालिफाई हो गई हमारी रिले के लिए ओलंपिक के लिए, और वो टाइमिंग हमारी ऐसी थी कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे थी 2016 की टाइमिंग। अच्छा, सीजन बेस्ट हमारा था सबसे ज़्यादा, अच्छा टाइमिंग हमारा था। फिर उसके बाद भाई मैं ओलंपिक खेल के, मतलब मुझे एक जो चीज़ होता है ना, मेरा ड्रीम होता कि हाँ ओलंपिक खेलना है, वो ट्रू हो गया मेरे लिए, मतलब यार मैं ओलंपिक खेल चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, अब बस ये है कि इससे भी अच्छा करूँ मैं आगे और करता चलूँ। फिर इसके बाद 2017 में मुझे काफ़ी बड़ी इंजरी हुई, जो मतलब 2 साल लग गए मुझे रिकवर होने में। अच्छा जी, मुझे 2017 में फेडरेशन कप था मेरा, मैं हल्की फुल्की बैक में इंजरी थी, वो तो मतलब नॉर्मल मैं नेगलेक्ट कर रहा था, मैं ठीक है इग्नोर मारता था, हो जाए कोई नहीं। तो वहाँ पर मैं काफ़ी फिट था, फिट भी था, 800 मीटर में रनिंग की मैंने, 800 मीटर की अच्छी तैयारी थी मेरी। वहाँ पर मैं सेमीफाइनल अच्छी भगा और फाइनल बेकार भगा, मेडल आउट हो गया, क्योंकि मतलब जितने भी एथलीट थे सभी फाइनलिस्ट हमारे, सबको ये लग रहा था कि मंजीत का और लोहित का ही गोल्ड सिल्वर, कोई इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोस्त तो ये कह रहे कि और पक्का कर लो बना, इन दोनों का ही गोल्ड सिल्वर में से है। तो वहाँ पर मैं मेडल आउट हो गया, उसके बाद फिर मेरा एशियन चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हो गया था रिले टीम में, तो मैं नहीं गया, मेरा मन नहीं माना फिर बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने इंटर रिले गेम्स खेले अपने, वहाँ पर मेडल वेडल दिए, उसके बाद मेरे को ओपन ऐसे में इंजरी आ गई हील में, जो इंजरी मुझे स्टार्टिंग में हुई थी एक बार, उसी टाइप वही इंजरी थी मेरे को। फिर मैंने आगे वहाँ 2018 में कॉम्पिटिशन आ रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार मेरे गेम्स आ रहे हैं, उन्होंने मेडल देना मुझे, क्योंकि मेरा टारगेट था कि अब खेल चुका था सभी कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल, ये कॉमनवेल्थ भी खेल लिया, सब खेल लिया, पर अब ये टारगेट था कि हाँ खेल चुका हूँ, मेडल दूँगा मेन में। तो मुझे हील में इंजरी हो गई, मैंने इसमें इंजेक्शन लगवाया डॉक्टर से, तो टेम्परेरी इंजेक्शन था, वो पेन ठीक कर दिया उसने मेरा, पर टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ठीक रहा। फिर दोबारा मेरे को जनवरी फरवरी में फिर हो गए, वो मार्च में फिर दोबारा मैंने सोचा अब ट्रायल आ रही है, उससे पहले अप्रैल में ट्रायल है, फिर लगवा लेता हूँ उसमें। कुछ क्या इंजरी थी भाई आपके? ये एक्लिस टेंडन में इंजरी थी। अच्छा, हाँ स्वेलिंग थी यहाँ पर मुझे, कुछ कैल्शियम जमा हो रहा था यहाँ पर। अच्छा, टेंडन में, टेंडन में मतलब हील के टेंडन में। तो फिर उसके बाद दोबारा लगवा लिया मैंने, फिर वो कुछ पैरलो थेरेपी नाम से इंजेक्शन लगा, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी मेरी कि जो कैल्शियम जमा हो रहा ना, तो इंजेक्शन लगाता हूँ ये रिमूव हो जाएगा कैल्शियम यहाँ से। वो कैल्शियम तो रिमूव हो गया, तो मुझे पेन उससे ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब पूरा टोटल मतलब ये लगा लो कुछ नहीं कर पा रहा मैं, इतना पेन हो रहा मुझे, चलने ही पेन हो रहा था उस टाइम, मुझे ये था चलने में इतना पेन नहीं होता था, रनिंग में थोड़ा बहुत होता था, वो भी रनिंग में होता था तो थोड़ा वार्म करके ठीक हो जाता थोड़ी देर बाद, फिर तो मेरा कैसे ही पेन ठीक नहीं हो रहा उसके बाद। फिर उसके बाद मैंने दोबारा फिर लगवाया वही इंजेक्शन जो पहले लगवाया था स्टार्टिंग में, उससे मेरा टेम्परेरी ठीक रहा। फिर वो मेरा जनवरी फरवरी में 19 में फिर आ गया वो पेन मेरे को, फिर दोबारा से वही पेन स्टार्ट। फिर मैंने पैर का मतलब सोच लिया था या तो मैं ठीक ही हो जाऊँगा या मैं गेम ही छोड़ दूँगा, फिर तो मैंने सर्जरी करवाने का डिसीजन ले लिया, मैं सर्जरी करवाऊँगा। डॉक्टर से मैंने बात की, आरटी में हॉस्पिटल में गया, लेजर सर्जरी करवाई मैंने, काफ़ी दिन प्लास्टर भी रहा मेरे को पैर में, फिर वो प्लास्टर कटने वटने के बाद, पर मेरे को इतना मतलब रिलीफ नहीं हुआ सर्जरी से भी। सर्जरी मेरी हो तो गई सक्सेसफुल कहते हो गई वो, पर पेन मुझे फिर भी 60% 50% था। तो पेन आपका ठीक हुआ नहीं? हुआ नहीं, 50% कह सकता हूँ ठीक हुआ, पर 50% 60% ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक डॉक्टर है राहुल, जो ग्रीन पार्क में बैठता है, उसका क्लिनिक है, वो 40s में ही बैठता है, वहाँ पर भी है उसका खुद का क्लिनिक है, उसने मेरे को 2 महीने में बिल्कुल ठीक करके ग्राउंड पे फिर से उतार दिया। अच्छा, 2 महीने? 2 महीने में। मैं उसके पास गया था अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में मैं ये लाल अक्टूबर में मैंने इससे ये बोल दिया कि वॉकिंग करो अच्छे से, वार्म अप नवंबर के एंड में बीच में मैंने वार्म अप धीरे धीरे मतलब एक जॉगिंग टाइप का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं ग्राउंड पे डेली जाने लग गया था, पर मैं उस टाइम खाली अपनी हल्की हल्की मतलब एक्सरसाइजें ये करता था, हील रेसिस करता था, मतलब अपनी जो इंजरी थी उसकी एक्सरसाइज करता था, उसको मतलब अच्छे से रिकवर करके। फिर मैं नवंबर के मतलब एंड तक आते आते थोड़ा 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 धीरे धीरे मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की, दिसंबर में मैं प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका था उस टाइम, 85 के आसपास वेट था। अच्छा। वेट भी बहुत कम किया मैंने।
फिर उसके बाद ट्रेनिंग कर रहा हूँ अब मैं। और अब ये कोरोना की वजह से मेरा कॉम्पिटिशन भी मुझे मौका मिल गया, कोरोना हो गया पर मैं ये नहीं कहता कि एक अच्छी बात है कोरोना हुआ, पर एक मुझे इसकी वजह से चांस मिल गया, थोड़ा टाइम मिल गया कि मैं ओलंपिक की तैयारी दोबारा से, क्योंकि ये वाले ओलंपिक तो कैंसिल हो गया कि 2021 में अब ओलंपिक, तो मुझे इसकी वजह से मुझे टाइम मिल गया कि मैं दोबारा ओलंपिक खेलूँ। अब मैं अच्छी तैयारी करके अब दोबारा मेरा टारगेट है कि मैं 2021 वाला ओलंपिक खेलूँ। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो है ओलंपिक। ओलंपिक। तो दोस्तों ये थी भाई की जर्नी, ललित भाई की जर्नी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी जो है भाई को सबसे पहले बेस्ट विशेस दो, मेरी तरफ से भाई आपको बेस्ट विशेस है कि आप जो है ओलंपिक में जो है मेडल लाओ, खूब अच्छी प्रैक्टिस करो। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।